चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज कल है जन्माष्टमी और आज है जन्माष्टमी का संझर। तो आज हमारे घर में हम लोग बाल धोकर नहाते हैं और सेंधा नमक का खाना खाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये यहाँ उबल रही है दूध और आज है जन्माष्टमी की संझत, यानी कि कल है जन्माष्टमी। तो आज हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है और सेंधा नमक का खाना बनाया जाता है। अभी मैं बना रही हूँ देखिए अरवा चावल और ये चने की दाल, तो इसकी बनेगी अभी दाल और चावल और सब्जी। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ये सब में हमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल है जन्माष्टमी और आज है जन्माष्टमी का संध्या। आज हमारे घर में बाल धोकर हम लोग को मनाया जाता है और आज हम लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं और खाने में भी सेंधा नमक डाला जाता है। तो आज मैं वही खाना बनाने जा रही हूँ। आज बनेगी परवल की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल, भिंडी की भुजिया। मुझे सबकी तैयारी चल रही है मैम। हेलो गाइस, हो चुकी है सारी काम सुबह की और मैं पी रही हूँ अभी चाय। और मैं बता दूँ कि कल तो फास्टिंग है हमारी और मेरे घर में कान्हा जी नहीं है, क्योंकि कान्हा जी की बहुत सेवा करनी पड़ती है और हम शायद उतना ना कर पाए, तो इसीलिए हम मंदिर में ही जाके पूजा करते हैं। तो मैं मंदिर का वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और घर में हम सिंपल इसी तरह धूप बत्ती के साथ पूजा करते हैं फ़ोटो वगैरह में। तो कल शाम को शायद मंदिर में, हाँ शाम को ही जाऊंगी मैं मंदिर में। और बस जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी अपने घर में अच्छी तरीके से जन्माष्टमी मनाएं और प्रेयर करें कि कोरोना जैसे महामारी एकदम से चली जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैं नहा धोकर तैयार हूँ और मैंने घर पे पूजा कर ली है और मैं शाम को मंदिर जाऊंगी। तो अभी मैंने घर पर ही पूजा की है और अभी मैं थोड़ी देर में मार्केट निकलूँगी, क्योंकि पूजा का सामान मैं लेकर नहीं आ पाई हूँ। अभी मैं जाऊंगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ, इसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी। मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोग से बातें कर लेती हूँ। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप शाम को। पूजा की तैयारी कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। मैंने कहा था कि मैं प्रसाद लेने जाऊँगी, पर मेरे हस्बैंड ही प्रसाद लेकर आ गए, तो मुझे जाना नहीं पड़ा मार्केट। बोलो। हेलो गाइस, अब मैं जा रही हूँ जन्माष्टमी की पूजा करने और अभी बहुत शाम हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ। मैं मंदिर में दिखाऊंगी कि कौन से मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। आवाज़ गया अभी नहीं।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं पूजा करके आ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी टाइम हो रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है बेटा? 8:15। और हम लोग जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद फलाहारी करते हैं, क्योंकि 12 बजे ही कृष्ण जी का जन्म होता है, तो उसके बाद फलाहारी करते हैं। पता नहीं सब कैसे करते हैं, पर हम तो इसी तरह करते हैं। और मैं बहुत कम से कम 13-14 साल की थी तभी से जन्माष्टमी कर रही हूँ। मेरे मायके में बहुत बड़ा कृष्ण जी का मंदिर है, और जब उस मंदिर की स्थापना हुई थी तभी से हम लोग मम्मी को बोल करके जन्माष्टमी करेंगे, तभी से मैं कर रही हूँ। और आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं अभी कर ही रही हूँ, देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ। मुझे सिर्फ बताना पसंद नहीं, मुझे दूसरों की सुनना भी पसंद है, और मुझे कहानियाँ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। किसी मंदिर की हो या कोई पुरानी कहानी हो तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो कभी कोई ऐसी स्टोरी रहेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घर का काम जो बचा हुआ है उसे करना पड़ेगा।